थर्ड ऑडियो सेक्शन इंक्लूड से वन अपॉन upon fm प्लस फ्रीक्वेंसी compensating फिल्टर a क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर gives a हाईली स्टेबल frequency तो ये क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर हमें हाईली स्टेबल फ्रीक्वेंसी देता है तो so, यहाँ पे हमने ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर और वन ओवर एफएम एम लगाए हैं ऑडियो एम्पलीफायर प्री एम्फेसिस सर्किट फर्स्ट पावर एम्पलीफायर फाइनर पावर एम्पलीफायर देन इट इज एरियल आउट तो ये हमारा फेज मॉड्यूलेटर सर्किट है फेज मॉड्यूलेटर इज एनी सर्किट दैन चेंज द फेज ऑफ द आर एफ सिग्नल कमिंग फ्रॉम ऑसिलेटर फेज मॉड्यूलेटर क्या है जो हमारी आर एफ सिग्नल से हमें इनपुट मिल रही है तो उसकी फीस को यह चेंज करता है कौन से आर एफ सिग्नल की मास्टर ऑसिलेटर से जो हमें आउटपुट मिल रही है दिस सर्किट मस्ट बी एबल टू चेंज द फेज एंगल ऑफ द कैरियर कैरियर की फेज एंगल को चेंज करता है द सर्किट मस्ट बी अरेन्ज सो देंजेज आर प्रोड्यूस बाई द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल

मॉड्यूलेटर सर्किट में हम क्या यूज करते हैं रिएक्टर uh, मॉड्यूलेटर जैसे कि हमने देखा गया है यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट हम किसको दे रहे हैं कॉम्बिनेशन को एंड थ्रू दिस इट इज फेड टू ए वेरिएबल रजिस्टर एंड इट इज गिवन थ्रू सी टू कॉम्बिनेशन एंड देन देरिएपेसिटर सी थ्री कॉम्बिनेशन इट इज फिट टू आर टू इट इज रजिस्टर थ्रू आर वन एंड बाइसिंग वोल्टेज इज प्लस तो ये C3 और वेरिएबल कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से आउटपुट इट इज फेड टू आउटपुट ट्रांसफॉर्मर टीवन एंड देन आउटपुट रेडियो आउटपुट इट इज गिवन और इस कॉम्बिनेशन को हम वेरिएबल कैपेसिटर C1 से आर एफ एम्पलीफायर से इनपुट भी देते हैं तो इससे फेज में चेंजेस आते हैं तो जैसा कि हमने यहां देखा है आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड में ये फेज मॉड्यूलेशन हम प्रोवाइड करते हैं कैरियर सिग्नल पे उसके जनरेशन के बाद में तो इससे क्या होता है हमारा मास्टर ऑसिलेटर क्या है वो क्रिस्टली कंट्रोल्ड हो जाता है इट कैन बी क्रिस्टल कंट्रोल्ड और इसका जो हमने नाम दिया गया है वो मेथड इसको बोलते हैं तो इसमें जो दो मेथड्स हैं हमारे डायरेक्ट मॉड्युलेशन मेथड और इनडायरेक्ट मॉडुलेशन मेथड तो इसमें यही डिफरेंस है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में हम उसको क्रिस्टली कंट्रोल नहीं कर सकते और इनडायरेक्ट मेथड जो कि ये हमारा मस्ट्रॉग मेथड है इसमें हम इसको क्रिस्टली कंट्रोल कर सकते हैं तो इस फेज मॉड्यूलेटर सर्किट में हमने ये इसका फेज के चेंजेस बताए हुए हैं कैरियर में और इसके डिफरेंट फीचर्स जो हैं इट यूज ए क्रिस्टल कंट्रोल मास्टर ऑसिलेटर और इसमें जो मॉड्यूलेटर है वो ऑसिलेटर के पास इसकी लोकेशन है उस पर्टिकुलर पाथ पे ये सिग्नल लाई करता है और ये फेज मॉड्यूलेटर कहलाता है और इसमें जो ऑडियो सेक्शन है दैट इज इस ऑडियो सेक्शन में जैसा कि हमने देखा है इसमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स लगे हुए हैं और फिल्टर्स लगे हुए हैं और इन फिल्टर्स की जो हमारा इंडेक्स है फ्रीक्वेंसी इंडेक्स दैट इज वन ओवर एफ तो इस पर्टिकुलर फैक्टर पे ये ऑपरेट करते हैं और इसमें फ्रीक्वेंसी कॉम्पनसेटिंग फिल्टर्स भी लगे हुए हैं इट इज हैविंग इंडेक्स ऑफ वन ओवर एफ और इसमें क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर जो हम यूज कर रहे हैं इससे हमें एक हाईली स्टेबलाइज्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट इज देर इज नो डेविशन देर इज नो वेरिएशन इन दिस फ्रीक्वेंसी व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस क्रिस्टली कंट्रोल्ड ऑसिलेटर और ये फेज मॉड्यूलेटर सर्किट क्या होता है ये हमने इस डायग्राम में दिखाया है कि इसमें वेरियस आरसी नेटवर्क्स लगे हुए हैं एंड देन ट्रांसफार्मर कॉम्बिनेशन इज देयर और जोरियल वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं उससे हमें एक फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी इज इक्वल टू वन ओवर एफ सी तो फेज मॉड्यूलेटर सर्किट में हम क्या यूज कर रहे हैं वायरेक्टर डायोड वायरेक्टर डायोड हमने देखा है कि इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका जंक्शन कैपेसिटेंस जो है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी चेंजेस और ये जो मॉड्यूलेटर सर्किट है इसमें हम वेरिक्टर कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं इट दिस मॉड्यूलेटर सर्किट अब प्रोड्यूस कैरियर इस मॉड्यूलेटर सर्किट से हमें क्या होता है हमारे कैरियर सिग्नल का फेज मॉड्यूलेशन हो रहा है तो देर आर थ्री टर्म्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन तो इस पर्टिकुलर फेज मॉड्यूलेटर सर्किट में फेज का मॉड्यूलेशन हो रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो हमारा कैरियर का सिग्नल है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इट इज चेंड एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और फेज में क्या है फेज ऑफ द कैरियर इट इज बींग वेरिड विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो ये तीनों में डिफरेंसेज है तो यहां पर हमें जो हमारा फेज मॉड्यूलेटर सर्किट है बाई यूजिंग द वेरिएबल डायोड सर्किट तो ये हमने दिखाया है इस फेज मॉड्यूलेटर सर्किट में हमें फेज का चेंज मिल रहा है फेज में ड्रिफ्ट सिग्नल तो आती है उसके फेज एंगल को चेंज कर देता है उसको उसमें वेरिएशन ला देता है द सर्किट मस्ट बी अरेन्ज सो चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इस सर्किट को हम ऐसे अरेंज करते हैं इसकी हम um, डिजाइनिंग ऐसे करते हैं जो इससे हमें फेज में चेंजेस मिलते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से वो प्रोड्यूस होते हैं और सो दैट द अमाउंट ऑफ द चेंज इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो ये जो फेज में चेंजेस हैं आ रहे हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे उसकी वोल्टेज पे डिपेंड करती है तो ये दोनों आपस में जो फेज चेंजेस हैं एंड द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्रोपोर्शनल टू ईच अदर तो फेज मॉड्यूलेटर हमने यूजिंग वेक्टर डायोड ये इसमें दिखाया है फिगर में इसमें मॉड्यूलेटिंग सर्किट अबोव इट प्रोड्यूस फेज मॉड्यूलेशन ऑफ द कैरियर ये फेज कैरियर की फेज मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करता है बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली वट वी वॉन्ट बट ये जो हमें फेज मॉडुलेशन मिल रही है दट इट इज नॉट एग्जैक्ट ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है द फेज मॉडुलेशन विल नॉट प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन और ये हमारा एफ एम प्रोड्यूसिंग डिवाइस है सिस्टम है इस फेज मॉड्युलेशन के चेंज से हमें फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन नहीं मिल रहा इसीलिए द फ्रीक्वेंसी डाइविशन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसीलिए कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी में डेविशन आ रहा है फ्रीक्वेंसी में ड्रिफ्ट आ रहा है चेंज आ रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो ये क्या फ्रीक्वेंसी डेविशन जो फ्रीक्वेंसी में ड्रिफ्ट आ रहा है वो किस पे डिपेंड करता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ये हमारे इसमें टेक्निकल टर्म्स में एक्सेप्टेबल नहीं है समथिंग मस्ट बी डन टू द सर्किट टू एलिमिनेट दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ फेज मॉड्युलेशन इसीलिए हमें कुछ करेक्शन कुछ डिजाइनिंग में चेंजेस की आवश्यकता है जिससे कि हम जो फेज इस फेज मॉड्युलेशन की जो करे इस ये करेक्टरिस्टिक है उसको एलिमिनेट कर सकें क्योंकि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है द करेक्शन इज वेरी सिंपल ये करेक्शन जो हम इसमें एक चेंज ला रहे हैं इट इज वेरी सिंपल वी एड ए लो पास फिल्टर इन सीरीज विद द ऑडियो सिग्नल तो इससे हम क्या करते हैं ये एक लो पास फिल्टर लगाते हैं इन सीरीज विद द ऑडियो सिग्नल तो यहां पे इस सर्किट में हमने दिखाया है कि यहां पे हमने फिल्टर लगा दिया है यहां पे ये सीरीज में तो ये फिल्टर लगाने से क्या होता है कि उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वी ऐड ए लो पास फिल्टर इन सीरीज ऑडियो सिग्नल सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज फेड टू दिल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडियो तो इससे क्या होगा इस करेक्शन को अप्लाई करने से जिससे कि हम लो पास फिल्टर जो हम इस हमारे सर्किट में आर्म स्ट्रॉग सर्किट में यूज कर रहे हैं तो इसमें हम एक इसको सीरीज में ऑडियो सिग्नल जो हमारी मिल रही है यहां परिविंग द ऑडियो सिग्नल विच इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट ये यह यहाँ पे भी हमने दिखाया है ये ऑडियो एम्पलीफायर के थ्रू मिल रही है इन्फॉर्मेशन सिग्नल इनपुट इट इज अवर ऑडियो सिग्नल ओनली सो इट इज गिवन थ्रू प्री सर्किट एंड देन दिस दिस फिल्टर एंड थ्रू ऑडियो एम्पलीफायर इट इज इट्स डेविशन इट इज कंट्रोल्ड एंड इट इज गिवन टू ए फेज मॉड्यूलेटर सर्किट तो ये फेज का चेंज होना और उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करना तो इस आर्म सर्किट की करेक्टरिस्टिक है तो यहाँ पे हम एक करेक्टर करेक्शन सर्किट लगाते हैं लो पास फिल्टर इन सीरीज विद द ऑडियो सिग्नल आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और उसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारे जो एम्पलीट्यूड जो वोल्टेज में चेंजेस आ रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड में उसके स्ट्रेंथ में उसको हम वेरेक्टर डायोड में फीड कर देते हैं उसको एज ए इनपुट दे देते हैं जिससे कि वो किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडियो तो वो ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है तो ये हम एक करेक्ट सिग्नल वहां पे दे रहे हैं तो हमारा मेन मतलब क्या है यहां पे? कि हमने फेज में चेंज लाना है और ये फेज चेंज हमारा क्या करेगा हमें नेसेसरी फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन देगा जो कि हमारे यहां पे रिक्वायरमेंट है टू ओपटेन द डायरेक्ट मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन तो यहां पे इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडियो सिग्नल के और इस पर्टिकुलर फिल्टर को बोलते हैं हम वन ओवर एफ फिल्टर एंड इन फिगर आर फोर एंड सी फोर प्रोवाइड दिस फंक्शन तो यहाँ पे इसमें हमने ये देखा है कि हमने आर फोर और सी फोर कॉम्बिनेशन ये नेटवर्क लगाया है तो ये हमारा ये करेक्शन सिग्नल दे रहे हैं ये थ्रू वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इसको देते हैं और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट को दे रहे हैं जिससे कि हमें ये एक करेक्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देता है फेज कैरियर के फेज के चेंजेस के हिसाब से तो हमने इसमें डिफरेंट सर्किट स्टडी किए हैं जैसे कि हमने डायरेक्ट मेथड्स इनडायरेक्ट मेथड्स और हम इसको रिकलेक्ट करेंगे यहाँ पे कि हमने कैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओप्टेन किया है तो एज कंपेयर टू मॉड्यूलेशन इस मॉड्यवेंसी मॉड्यूलेशन में हमने इंट्रोडक्शन में एलसीआर यूज किए थे networks, inductor, network, और इससे हमें टैंक सर्किट के थ्रू हमें एफ सिग्नल मिला था और द उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम एम पढ़ा था डायरेक्ट मेथड ऑफ एफ में फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन हम डायरेक्टली कैसे प्रोड्यूस करते हैं तो ये डायरेक्ट मैथड में हम एलसी सर्किट यूज करते हैं और देन रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर की हेल्प से थ्रू ऑसिलेटर एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर एंड क्लासी पावर एम्पलीफायर्स हम एफ एम प्रोड्यूस करते हैं तो ये मल्टीप्लायर्स इसमें हम ट्रिपलर्स इन द फॉर्म ऑफ थ्री एंड टू डपलर्स हम इसमें यूज करते हैं और एफ एम सिग्नल तो इसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी डेविशन मिलता है दैट इज डेल ऑफ एफ एम ये किसके प्रपोर्शनल होता है इट इज प्रोपोर्सनल टू द फ्रीक्वेंसी चेंजेस और इसमें हमारा ए एम और एफ एम में ये डिफ्रेंस होता है कि हम इसमें उसको क्लास सी एफ में यूज करते हैं और इसमें ए के केस में हम क्लास बी या क्लास ए बी टाइप ऑफ एम्पलीफायर यूज करते हैं जिससे कि हमें एफ में कॉस्ट में सेविंग मिलती है तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन था देन हमने रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर्स कवर किए थे रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर्स में हम बेसिक डिवाइस एफवीटी दैट इज फेट यूज करते हैं तो इस फेट में क्या है हमारे तीन टर्मिनल्स होते हैं ग्रिड ड्रेन एंड सोर्स तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है और इससे हमें वोल्टेज में चेंजेस मिलते हैं और बेसिकली वी आर यूजिंग द वेरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर तो इसमें हम वेरेक्टर डायोड की प्रॉपर्टी हमने देख ही ली है कि इसमें जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है वो कैसे वेरी करता है इट वेरीज लीनियरली विद द अप्लाइड वोल्टेज जो हमने डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई की है उससे हमारा जो इस वेरेक्टर डायोड का जंक्शन के क्रॉस एक कैपेस्टेंट डेवलप होता है पोलैरिटीज आ जाती हैं उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स में वो अप्लाइड वोल्टेज से लीनियरली वेरी करती हैं तो उसका लीनियर वेरिएशन हमने इसमें दिखाया है और इस डायोड को हम हमेशा रिवर्स बायस पोजिशन में यूज करते हैं जिससे कि हमें ये जंक्शन कैपेसिटेंस को वेरी करने के लिए हम मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज में चेंजेस लाते हैं और ये किससे जंक्शन कैपेसिटेंस के, के सीरीज में हम इसको अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में मदद मिलती है तो ये हमारा सिंपल रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर सर्किट है इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन लिमिटेड है और इसको ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और रिमोट टाइमिंग सर्किट्स में हम यूज करते हैं नेक्स्ट वी कवर्ड अबाउट स्टेबलाइज्ड रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर इसमें हम एफ सर्किट यूज करते हैं दैट इज ऑटोमेटिक कल ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी करेक्शन सर्किट्स यूज करते हैं क्योंकि हमारा कॉमर्शियल में ट्रांसमीटर्स में जो ऑसिलेटर है इट कैन नॉट बी क्रिस्टल कंट्रोल जिससे कि हमें क्रिस्टल ऑसिलेटर में इनस्टेबिलिटी मिलती है तो फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन के लिए हमें एक रिएक्टेंस मॉड्यटर चाहिए विच शुड ऑपरेट वेरी क्लोज टू एन ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिस्टम तो इसको हम ए सर्किट भी बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा हम ये सर्किट्स यूज करते हैं ंग बफर्स लिमिटर्स मिक्सर्स एंड आई एफ एम्पलीफायर्स तो इससे क्या है जो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर की आउटपुट है हम मास्टर ऑसिलेटर को सर्किट को देते हैं मास्टर ऑसिलेटर आउटपुट इज फिट टू बफर विच इज गिवन टू ए लिमिटर सर्किट एंड थ्रू विच वी गेट द एफएम एम आउटपुट एफ आउटपुट मीन्स फ्रीक्वेंसी आउटपुट और लिमिटर का कुछ पार्ट हम मिक्सर सर्किट को देते हैं मिक्सर में दो इनपुट्स मिक्स होती हैं वन इज एफ एस सिग्नल फ्रॉम लिमिटर आउटपुट एंड देन एज वन इनपुट फ्रॉम द क्रिस्टल ऑसिलेटर दिस बोथ इनपुट्स दे आर मिक्स्ड एफ एस एंड एफ ओ सिग्नल्स एंड वी ऑप्टेन ए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच इज एम्प्लीफाइड इन द आई एफ एम्पलीफायर एंड विच इज फेड टू डिस्क्रिमिनेटर जो कि इसमें चेंजेस जो होते हैं वो उनको एलिमिनेट करता है एंड विच इज

नेक्स्ट इट इज द फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट जेनरेशन सिस्टम इसमें हम डायरेक्ट जेनरेशन सिस्टम में फ्रीक्वेंसी को कैसे स्टेबलाइज करते हैं तो उसके लिए हमें तीन पार्ट चाहिए तो हमने ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर मिक्सर पावर एम्पलीफायर बफर और लिमिटर सर्किट लगाए हैं देन इट इज द नेक्स्ट इट इज द इनडायरेक्ट मैथड तो पहले हमने डायरेक्ट मैथड पढ़े थे यूजिंग रिएक्टेंस मॉड्यटर एंड वेरेक्टर डायर्ड तो आर्म स्ट्रॉन्ग मैथड में हम क्या यूज करते हैं क्टली दट इज प्रोड्यूस द फ्रिक्वेंसी मॉड्यूटेड कैरियर बाय डायरेक्ट मॉड्युलेशन और उसमें क्या है कैरियर की जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो ड्रिफ्ट के हिसाब से चेंज होती है इसलिए हमें एफ सी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है ऑमस्ट्रॉन्ग मेथड में हम फेज मॉडुलेशन यूज करते हैं कैरियर के ऊपर उसकी जनरेशन के बाद सो दैट द मास्टर ऑक्सीटर इट इज क्रिस्टल कंट्रोल्ड और इस सिस्टम को इनडायरेक्ट मैथड को हम ऑर्मस्ट्रांग मेथड बोलते हैं तो इन दो सिस्टम्स में हमने स्टडी किया है दैट इज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड और उसका सर्किट डायग्राम फेज मॉड्युलेशन का ये है इसमें बफर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स पब्लिक दैट इज पावर एम्पलीफायर देन फिल्टर वन ओवर एफ एम फिल्टर प्री एम फेसिस सर्किट इसमें हम यूज किए हैं और ये फेज मॉड्यूलेटर का सर्किट है तो इस तरह हमने इन दोनों सिस्टम्स में डिफरेंसेस देखे डायरेक्ट मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन सो विद दिस आई होप You have understood about the frequency modulator circuits, and with this, I thank you all for patience listening. Thanks.